यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह तपना सीखो। आदर व सम्मान के योग्य प्रधानाचार्य महोदय, निर्देशक महोदय, अध्यापक गण एवं समस्त विद्यार्थी गण, आप सभी को सत सत नमन। आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं योगिता एवं मेरी सहपाठी नैन्सी आप सभी को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जीवन रीति एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना चाहेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम था। भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अहम किरदार निभाने के कारण अब्दुल कलाम जी को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। परमाणु हथियार कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के कारण डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। हालांकि अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भारत देश उनके द्वारा किए गए कामों, योगदान और राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल को हमेशा याद रखेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का प्रारंभिक जीवन। अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर के तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनके पिता का नाम जनलाब्दीन था, जो पेशे से नावों को किराए पर देने एवं बेचने का काम किया करते थे। कलाम जी के पिता अनपढ़ थे, पर उनके विचार आम सोच से कहीं ऊपर थे। वह उच्च विचारों के धनी व्यक्ति थे और अपने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते थे। उनकी माता का नाम असीमा था, जो एक घरेलू महिला थी। अब्दुल कलाम 5 भाई बहन थे, जिसमें अब्दुल कलाम सबसे छोटे थे। जब अब्दुल कलाम का जन्म हुआ तब उनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। परिवार की मदद करने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने छोटी सी उम्र में ही अखबार बेचना शुरू कर दिया था। स्कूल के दिनों में वह सामान्य थे, लेकिन नई चीजों को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। गणित विषय उनका मुख्य और रुचि वाला विषय था। अब्दुल कलाम जी की प्रारंभिक शिक्षा स्पोर्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल रामानाथमपुरम तमिलनाडु के मैट्रिक की परीक्षा प्राप्त की। स्कूल के दिनों में वह अपने एक शिक्षक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जिनका नाम आयुदिरे सोलोमन था। उनके शिक्षक का मानना था कि ख्वाहिश, उम्मीद और यकीन को हमेशा जीवन में रखना चाहिए। इन मूल मंत्रों पर काबू बहुत जरूरी है। इन 3 मूल मंत्रों के कारण आप अपने मंजिल को बिना किसी परेशानी के पा सकते हैं। अब्दुल कलाम जी ने इन 3 मूल मंत्रों को अपने जीवन में हमेशा कायम रखा। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक प्रोजेक्ट पर कार्य करने लगे, जिसमें उनके प्रोजेक्ट इंचार्ज ने उनसे कहा कि आपको रॉकेट के मॉडल को बनाने के लिए केवल 3 दिन दिए जाएंगे और उन 3 दिनों में अगर आप मॉडल पूरा ना कर पाए तो आपकी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। फिर क्या था, अब्दुल कलाम जी ने न रात देखी, न दिन देखा, न भूख देखी, न प्यास देखा, मात्र 24 घंटे में अपना कार्य पूरा कर दिया। यह देख प्रोजेक्ट इंचार्ज को बहुत आश्चर्य हुआ। इस प्रकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का डटकर सामना किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कई पुरस्कार और उपलब्धियों को अपने जीवन में हासिल किया, जैसे सन 1981 में पद्म भूषण, सन 1990 में भी पद्म भूषण, सन 1997 में भारत रत्न एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, 1998 में वीर सरावकार पुरस्कार, 2000 में रामानुजन पुरस्कार, 2008 में डॉक्टर ऑफ साइंस एवं डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, 2009 में मानद डॉक्टरेट हुबेर मेडल वॉन कॉम वेंग्स अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स, 2010 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, सन 2012 में डॉक्टर ऑफ लार्ज मानद उपाधि व 2014 में डॉक्टर ऑफ साइंस जैसी कई उपलब्धियों को अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन में हासिल किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम करियर स्नातक की पढ़ाई पूरा करने के बाद कलाम जी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी कार्य किया। 1969 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसरो
आ गए और वहां उन्होंने परियोजना निदेशक के पद पर कार्य किया। इसी पद पर कार्य करते समय भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए सौभाग्य की बात थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जिस उद्देश्य से वह जी रहे हैं उनका वह उद्देश्य जल्द ही पूरा होने लगा है। वर्ष 1963-64 में कलाम ने अमेरिकी संगठन नासा में भी दौरा किया। भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजा रामन्ना ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसमें कलाम जी को परीक्षण करने के लिए बुलाया गया। 1970 से 1980 के दशक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने कार्यों की सफलता के कारण देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए और ख्याति बढ़ने के कारण उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी अपने कैबिनेट से मंजूरी के बिना ही कुछ गुप्त कार्यों के लिए अनुमति दे दी। डॉक्टर कलाम अपने कार्यों की सफलता और अपनी उपलब्धियों के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 2002 में राष्ट्रीय पद के लिए उम्मीदवार बनाया। अब्दुल कलाम जी ने अपनी प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी मतों से हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। अब्दुल कलाम से पहले दो और राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर राधा कृष्णन को यह भारत रत्न का पुरस्कार भी मिल चुका है। राष्ट्रपति के दायित्व से मुक्ति होने के बाद डॉक्टर कलाम ने कई शैक्षणिक संस्थानों में मानद फेलो वे एक विजिटर प्रोफेसर बन गए थे। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसी मानी यूनिवर्सिटी में भी सूचना प्रौद्योगिकी में कार्य किया। कलाम हमेशा से ही देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। डॉक्टर कलाम ने युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमेशा से ही कई तरह के प्रयास किए हैं। अब्दुल कलाम का उद्देश्य यह था कि भारत से भ्रष्टाचार को हटा दिया जाए। भारत के युवाओं को उनकी लोकप्रियता को देकर अब्दुल कलाम को दो बार MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर कलाम जी ने अपने विचारों को अपनी किताबों में भी डाला, जैसे अ विजन ऑफ द न्यू मिलियनर, माय जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, इंग्लिश द पावर विद इन इंडिया। इन पुस्तकों को विदेशी भाषाओं और भारत के कई अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। 2011 में आई एक फिल्म आई एम कलाम, इसमें एक गरीब तबका जिसके मन के कलाम में सकारात्मक विचारों को चित्रित किया गया है, उनके सम्मान में वह लड़का अपना नाम कलाम रखता है, उसको बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम 84 साल की उम्र में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM सिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, जब उन्हें कार्डियक अटैक हुआ और वो वहीं बेहोश हो गए। लगभग शाम 6:30 बजे उन्हें बेथानी अस्पताल में ICU में ले जाया गया, जहां 2 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 30 जुलाई 2015 को उनके पैतृक गांव रामेश्वरम के पास उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके अंतिम अनुष्ठान के समय कम से कम 3.5 लाख लोग शामिल हुए। अगर व्यक्तिगत जीवन के बारे में कहा जाए तो कलाम पूरी तरह से अनुशासन का पालन करने वाले थे। कलाम जी भगवत गीता एवं कुरान दोनों का अध्ययन करते थे। भारत को विकासशील देश बनाने से विकसित देश बनाने तक का उनका एक बड़ा सपना था। बच्चों एवं युवाओं के कलाम जी हमेशा से ही प्रेरणा स्रोत रहेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसी महान शख्सियत को सत सत नमन। उनके विचारों एवं जीवन घृणाओं के हमें प्रति प्रेरित एवं अपने कार्य के प्रति सदृढ़ रहने की सीख सदैव मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।